सब्सक्राइब करें बिलाटेक चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाटेक की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों आपको यूट्यूब के लिए अडोब फोटोशॉप में थंबनेल बनाना सिखाया जाएगा। तो आइए बिना टाइम जाए के वीडियो की तरफ चलते और करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना अडोब फोटोशॉप ओपन कर लें और इसके बाद फाइल पे जाएं और न्यू पे क्लिक करें। इसके बाद आप नेम वाले सेक्शन में कोई सा भी नाम दें। इसके बाद आप विड्थ देंगे, विड्थ होगी 1280 और हाइट आपने देनी है 720। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों, वाइट बैकग्राउंड के साथ वर्क एरिया आ गया हमारा। इसके बाद आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपने जितना एरिया आपको चाहिए आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने पहले वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप कलर बॉक्स पे क्लिक करें। कलर बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना है और कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने बकेट टूल सेलेक्ट करना है और इसके बाद जिस एरिया को आपने सेलेक्ट किया है उसमें आप बकेट टूल के जरिए इसको फिल कर दें। तो जी दोस्तों, ये फिल हो गया। और इसके बाद दोस्तों आपने डाउन एरो की से इसी रेक्टेंगल को नीचे कर लेना है सेंटर में। इसके बाद फिर आपने कलर बॉक्स चूज करना है, डिफरेंट कलर चूज करें और बकेट से आप इसको फिल कर दें। और इसके बाद दोस्तों रेक्टेंगल को कमांड कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दें। इसके बाद फिर दोस्तों आप कलर बॉक्स पे क्लिक करें और अपना डिजायर कलर जो है वो चूज करने के बाद ओके पे क्लिक कर दें और फिर बकेट टूल के जरिए आप इसको फिल कर दें। इसके बाद आप टेक्स्ट टूल जो है वो सिलेक्ट करें, इसकी कीबोर्ड कमांड है टी। इसके बाद आप माउस से इसको क्लिक कर दें जहां पे आपने लिखना है। इसके बाद दोस्तों ये जो कलर बॉक्स है इस पर क्लिक करें और अपना कोई सा भी डिजायर कलर जो है वो सिलेक्ट करें और अपना टेक्स्ट लिखें। टेक्स्ट लिखने के बाद दोस्तों इसको आप कंट्रोल टी से सिलेक्ट कर लें और इसके बाद शिफ्ट को दबाए रखें और अपनी मतलूबा लिखाई जो है इसको छोटा या बड़ा करके आप इसको सेंटर में कर लें। और यही प्रोसीजर तमाम टेक्स्ट के लिए आपने रिपीट करना है। हंड्रेड परसेंट ईजी वे को मैंने इसलिए आगे थोड़ा सा छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे YouTube के सेकंड चलते हैं और इससे आपकी लिखाई जो है वो छुप जाती है। थंबनेल तैयार हो चुका है, अब हम इसको सेव करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों सेव पे क्लिक करना है और इसको दोस्तों आप PSD में सेव करें, क्योंकि PSD में सेव करने से दोस्तों अगर कोई गलती थंबनेल में हो तो आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। फाइल नेम देने के बाद दोस्तों क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर दें। तो ये दोस्तों आपकी PSD में फाइल सेव हो चुकी है।
तो इसके बाद इसको जेपीजी में सेव करने के लिए दोस्तों फाइल और सेव एज पे क्लिक करें। इसके बाद सेव एज टाइप वाले सेक्शन में आपने जेपीजी सिलेक्ट करना है, जेपीजी सिलेक्ट करें। और सेव पे क्लिक कर दें, इसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। तो जी दोस्तों फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब हम सेव शुदा फाइल को दोस्तों ओपन करके देखेंगे आया कि फाइल कहां पे सेव हुई। तो ये देखें ये पड़ी है फाइल, इसको ओपन कर लिया। थंबनेल हमारा बन चुका है, इसको करते हैं क्लोज। इतना सा काम था, दैट्स इट। फिर भी अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।